हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज है 8 जुलाई। एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम उन्हें यहाँ सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को क्रिकेट साउथ अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं क्विंटन डीकॉक, हासिम अमला, फेफ डु प्लेसिस और डेल स्टेन। तो क्विंटन डीकॉक को क्रिकेट साउथ अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में साउथ अफ्रीकी नेशनल टीम के कैप्टन क्विंटन डीकॉक को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है और वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड लॉरा वर्ल्डवर्थ को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 16 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, इजराइल और रूस। तो 6 जुलाई 2020 को इजराइल ने पाम हिल एयरबेस के लॉन्च पैड से ऑर्बिट में 16 नए स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ये ऑफेक 16 उन्नत क्षमताओं के साथ एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टोही सैटेलाइट है। उपग्रह को पेलोड एल्बिट सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं इंजीति श्रीनिवास, शशिकांत त्रिपाठी, अवनीश कुमार और रुपेश सिंह। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में इंजीति श्रीनिवास की नियुक्ति की है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए इंजीति निवास सही है। IFSCA का हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल 2020 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया गया? ऑप्शंस हैं 2 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई। वर्ल्ड जूनोसिस डे हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन सी 6 जुलाई सही है। जूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो कशेरुकी जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। 6 जुलाई 1885 को एक फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लुईस पाश्चर द्वारा सफलतापूर्वक एक जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहला टीकाकरण बनाने के लिए हर साल विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, SDG सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शंस हैं 110, 109, 117 और 119। SDG सूचकांक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग 2020 में भारत का 117वां रैंक है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन सी 117 सही है। भारत की ये रैंक 166 देशों में से मिली है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में पहली रैंक स्वीडन की है, दूसरी रैंक डेनमार्क की है और तीसरी रैंक फिनलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 66th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं आकाश, प्रदेश, अमेया ओडी और रवि शर्मा। तमिलनाडु के आकाश देश के 66वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए आकाश सही है। जबकि तमिलनाडु के ही खिलाड़ी प्रणेश और गोवा के अमेया ओडी ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब अर्जित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर किताब लिखी है? ऑप्शंस हैं रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास और डी सुब्बा राव। तो अभी हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक लिखी है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन बी उर्जित पटेल सही है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि उर्जित पटेल को द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 की शुरुआत की है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सही है। इस मिशन की शुरुआत लखनऊ के ककरेल वन से की गई है। इस मिशन के तहत 25 करोड़ से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। ये सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया जाएगा, तो इसमें उत्तर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सही है। इस सोलर प्लांट की क्षमता 750 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने इस योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत 11 करोड़ या 10.96 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटका सही है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।